स्टूडेंट, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, यानी कि जब ब्रिटिश काल था आपका, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करती थी, तो उस समय उन लोगों ने जब इंडिया पर राज करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था, तो उन्होंने टैक्स सिस्टम लेकर के आए थे। तो ऐसे करके हमारे पास तीन टैक्स सिस्टम है उस समय के, और हम तीन टैक्स सिस्टम पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला सिस्टम था आपका, उसको कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम। इस ज़मींदारी सिस्टम के दो तीन नाम और थे, जिसको हिंदी में इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है, और एक था आपका परमानेंट सेटलमेंट। ये तीनों नाम एक ही हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ज़मींदारी सिस्टम कहते हैं। देखिए, इसको हम परमानेंट सेटलमेंट इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि जो टैक्स वगैरह था उस टैक्स का पैसा जो था फिक्स कर दिया था, और फिक्स जो किया गया था वो उन्होंने आने वाले समय को देख करके किया था। यानी कि मान लीजिए अभी चल रहा है 2023, ठीक है, अब मान लीजिए हम टैक्स ऐसे लगाते थे कि 2030 के समय में अगर समय आता है तो उस समय हमारे कोई घाटा वगैरह ना हो, उस हिसाब से हम पैसे पहले से ही हम तय कर देंगे। इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट कहा गया था। परमानेंट सेटलमेंट जो आपका था, ये बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्स था, जिसकी वजह से लोग चूक जाते थे जो भी ज़मींदार होते थे इसको पे करने में, ठीक है। चलिए, ये ज़मींदारी सिस्टम आपका आया था लॉर्ड कार्नवेलिस लेकर के आए थे, 1793 में लेकर के आए थे, और इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस जो आपका हिस्सा है वहाँ पर लाया गया था एक तरीके से। और इसमें क्या था कि जो ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे वो ज़मींदार हुआ करते थे। ज़मींदार कौन, जो उस समय राजा थे उन्हीं को ज़मींदार कहा गया एक तरीके से, फिर एजेंट हम कह सकते हैं उनको, ठीक है। और यहाँ पर राइट टू कलेक्ट द रेंट भी कौन है, वो ज़मींदार ही हैं। तो ज़मींदार ही ज़मीन के मालिक थे, और उन्हीं को क्या कहता था, ज़मीनों से या फिर जो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार जो था इन्हीं के पास था, और ये फिर किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को दिया करते थे, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे वाले का नाम है आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। देखिए, तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो आपका है, सर थॉमस मनरो लेकर के थे, मनरो सॉरी 1820 में लेकर के आए थे, और इसको लाया गया था मद्रास, बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल, असम एंड कुर्ग। कुर्ग जो आपका है वो पड़ेगा आपका कर्नाटक के पास पड़ेगा, कर्नाटक के भीतर कुर्ग है, ठीक है। इसमें क्या था, ये देखिए जो इसमें वर्ड है रॉयट या फिर रैयत, इसको ये अंग्रेज ही इस्तेमाल करते थे किसानों के लिए। तो इसमें क्या था, ज़मीनों के मालिक किसान हुआ करते थे, और इसमें जो राइट टू कलेक्ट द रेंट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्ट फ्रॉम दी पीजेंट, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो सीधा किसानों से टैक्स लिया करती थी। ये था आपका रैयतवाड़ी सिस्टम जो कि थॉमस मनरो लेकर गए थे। ये फोटो है उनकी, 1820 में आया था ये आपका। अगला है आपका महालवाड़ी सिस्टम। देखिए, महालवाड़ी सिस्टम जो था आपका कुछ साल पहले आ गया था, लेकिन इसको रिव्यू दोबारा कराया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। देखिए, विलियम बेंटिक जो थे इन्होंने भारत में बहुत सारी चीज़ें लाई थी, जैसे कि मान लीजिए पश्चिमी शिक्षा है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल वगैरह हैं, ये यही लेकर के आए थे विलियम बेंटिक। और महालवाड़ी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस अगर कोई करता है रिव्यू वाला, मतलब कि एक तो पहले आ चुका था महालवाड़ी सिस्टम, लेकिन उसके बाद दोबारा से इसको लाया किसने, विलियम बेंटिक ने, ठीक है। तो जो दो नाम आते हैं महालवाड़ी सिस्टम में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1833 वाला जो महालवाड़ी सिस्टम है वो कौन लेकर के आया, क्योंकि चला यही वाला था, तो विलियम बेंटिक लेकर के आए थे। और इसको लाया गया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, पंजाब और गैंगेटिक प्लान, ठीक है, यहाँ पर लाया गया था। और यहाँ पर जो ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे किसान हुआ करते थे, और इनसे टैक्स लेने का जो अधिकार था वो किसको था, द विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन का मतलब गांव के मतलब मुखिया वगैरह उस समय बना रखे थे, उन्हीं को अधिकार दे दिया गया था कि आप जो है किसानों से टैक्स लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये पैसा कहाँ जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास में जाएगा। ये तीन प्रकार के हमारे लैंड रिवेन्यू सिस्टम थे, ठीक है, रैयतवाड़ी, ज़मींदारी, और एक था आपका महालवाड़ी। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए।